ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ DSGNC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3,70,000 ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 1,36,000 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮਹਿਜ 76,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 13% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। देखो जी, मैं तो इंटरनेट से पढ़ के बहुत ही पछिमान हो गया कि सेंसस भी साड़ा पूरा नहीं है। दिल्ली के भी साड़ा सेंसस सिर्फ गवर्नमेंट दी बॉडीज़ ने जो किया है वो 6 लाख है, जबकि सिखों की आबादी 8-8.5 लाख तो उत्ते है। किसी ने भी साड़ी बॉडी ने इस गल के उत्ते गौर नहीं किया भी असी अपना सेंसस जोड़ा है करैक्ट कराई। नंबर दो, हुण जिहड़ियां पिछे इलैक्शनां होईयां ने उहदे विच सिर्फ 3,75,000 रजिस्टर्ड वोटरस हैगे ने। 6 लाख के सेंसस चों सिर्फ 3,70,000 रजिस्टर्ड वोटरस, और उन्हां रजिस्टर्ड वोटरस विचों सिर्फ जिहड़ियां वोटां पाईयां गईयां ने वह 1,36,000 पाईयां गईयां। ते जिहड़ी पार्टी जीती है वो सिर्फ टोटल 76,000 वोटा लैके जीती है। यदा मतलब 6 लाख का 76,000 13% भी नहीं बनता। हुण हिसाब लाओ, जिस कौम दे विच 13% ही संगत इतनी इंपॉर्टेंट अदारा जिहड़ा गुरद्वारा है उहदी संभाल दे उत्ते बंदे लैके आएगी, तो वो जिहड़े बंदे लैण वाले ने वो की बैकग्राउंड दे बंदे लैके आणगे। मैं तो ये समझ नहीं आती भई असी हर वाली गुरुद्वारिया निंदने कह दें, पार्टी नू, कमेटी नू निंदने हैं, पर असी अपने अंदरों विचार नहीं करते कि साढ़े चों कितने बंदे ने जिन्हों अंदर पीड़ है या दर्द है कि चंगे बंदे अगे आन। चंगे बंदे किवें अगे आणगे जे अर्बन पापूलेशन जिहड़ी है साडी हाई क्लास की वह घर बह जाए, मिडल क्लास वाले वह घर बह जाए, तो जूनियर जिहड़े हैं थले वो अपनी मैनुपलेशन करके अपनी वोटां पा लैन। ताई फिर चो गंध चो फिर गंध ही आएगा ना, होर तो कुछ नहीं आ सकता। तो मेरी ये अर्ज है सारयां नूं हाथ जोड़ के बेनती है भाई, इस वारी तुसी 20 नवंबर लास्ट डेट है अपना तुहाडी वोटां बनाउण दी। हुण तुसी जाणा वी किधरे नहीं, ये सारियां ऑनलाइन है। प्लीज़ अपनी ऑनलाइन वोटिंग आके तो रजिस्टर करो। और दूसरी मेरी तुहानू एक गुजारिश है, देखो ये की गल है कि सिर्फ गुरुद्वारियां दे विच ही साडे इलैक्शन दा दौरा है, ना किसी हिंदू दे टैंपल दा इलैक्शन दा चक्कर है, ना किसी मुस्लिम दे मॉस दा इलैक्शन दा चक्कर है, सिखां दा ही क्यों है। मैं मान लिया साडे बजुर्गों को गलतियां हुई हैं, सिख गुरुद्वारा एक्ट बनया है, पर मैनू ये दसो सिख साढ़े बजुर्गों को तुसी मैनू ये दसो भाई पॉलिटिक्स दा गुरुद्वारियां दे नाल की मतलब है। ये कोई स्टेट की इलैक्शन है या कोई सेंटर की इलैक्शन है तो असी पॉलिटिकल पार्टियां इहदे च इनवॉल्व हो। मैं तो हाथ जोड़ के बेनती करांगा भाई इस वारी जिहड़े भी कैंडीडेट अपने आप नूं आगू चाहते ने कि अस वो चुने जाण, वो बिल्कुल भी पोलिटिकल पार्टियां तो बिलोंग नहीं करने चाहिए, ताकि वो बिल्कुल अपना सेवा जिहड़ी है वो गुरुद्वारे की सेवा की तरह करन। पोलिटिकल पार्टियां नू इनवॉल्व करके असी उल्टा अपना गंद पाने, अपनी सिक्खी नू असी उछालदे हां, और असी ये सारे कुकर्म साडे कोल हो जांदे ने। अवल तो यह होना चाहिए है भाई साढ़े सिंह सभावां सब पासे हैगियां। साड़ी एनुअल एक जा 4 साल बाद जिहड़ी इलैक्शन है उत्थे ही अपना बंदा जिहड़ा है असी प्रॉपर अगर इन्हां दी वोटिंग कर दईए, इन्हां दे कार्ड बना दईए, इन्हां नूं कोडिंग कर दईए सारयां नूं, ते उत्थे ही सिंह सभावां जाके ये बंदे अपने जिहड़ियां ने वोटां पा के कह सकदे ने जी हाँ असी इह कैंडीडेट नूं पसंद करना ते इहनूं नहीं करना। हुण क्योंकि ये इतनी प्रचलित है ये चीज़
ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੋਮ ਰਿਸਿਪਟ ਟੂ ਖਰਚਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ PO ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ MRN ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਕਨਸਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਰੀਅੰਸ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, No. 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ CA ਹੋਵੇ, CS ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਾਵੇ, SOPs ਬਣਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੋਚਰ ਕੌਣ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 1000 ਦਾ ਕੌਣ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ SOPs ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਲਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 50 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 25 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 40 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ, ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਹ ਲੱਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਂਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇਤਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗਿਫਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਆਡਿਟ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30-40% ਭਾਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈੱਸਾਂ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 460 ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-12, 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ,
और नाल ये चंगी अपनी जॉब ते लग जाएंगे। इन्हों नू ट्रेनिंग चाहिए है, साडे कोल बड़ा इंटेलीजेंसिया है आर्मी का मिलट्री का जिहड़ा इन्हों नू ट्रेन कर सकता है, उहदे नाल ये लग सकते हैं। दूजा उस तो बाद जिहड़ा है कि साडे भाइयों का स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए। माफ़ करना, अज अगर किसी भाइयों नू पुछो ना जी तुहानू जपजी साहब का पाठ पूरा आंदा है, मैनू नहीं लगता कि 90% नू भी आंदा होवे। और वो भाइयों नू असीं भाई साहब कहने, सानू इना दी अपग्रेडेशन करनी चाहिए, एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, साढ़े कोल एक कोड ऑफ कंडक्ट बनया होना चाहिए। जिस तरह साड़िया ऑर्गनाइजेशन असी एक ऑर्गनाइजेशन चार्ट बनाने, ऑर्गनाइजेशन चार्ट के मुताबिक असी ये देखते हैं भाई साडा जिहड़ा उपर का CEO है उहदी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, की एक्सपीरियंस होना चाहिए, उहदे च किन्नी उहदी डेप्थ होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग। इस तरह ही असी कोड ऑफ कंडक्ट बनाईए भाई साढ़े हुण जिहड़े ताबे ते ग्रंथी बैठे ने उन्हां बेचारियों नूं पैसे की तक ना होए, उन्हां नूं हमेशा पैसे की तक होंदी है कि एक धनवाड़ आदमी आया इन्हें मत्था टेकिया हुणे आके घूम के आएगा मुट्ठी मेरे हाथ च रख देगा। ये गल्लां बहुत गलत ने। गुरु के ताबे ते बैठा है जिहड़ा बंदा है वो इतना वड्डा बंदा है जिहड़े गुरु की सेवा कर रहा है, सानू उहदी सेवा करनी चाहिए, उहदे वास्ते कोड ऑफ कंडक्ट बना के उहनूं पूरा पूरन इस काबिल बनाता जाए वो गुरु ताबे की सेवा कर सके, चंगी उहदी तनखा होवे, गड्डी ड्राइवर होवे उहदे कोल, और उहदे बच्चे मुफ्त असी पढ़ाईए, उहदे घरां च AC लाइए, ताकि उहनूं किधरे तक ना होवे कि हाँ मैनूं किधरों तक है या मैं किधरों संगत तों लैणा। फिर हुण इह वी मैं वेख्या है कि नवां दौर शुरू हो गया कि अरदास कराणी है, चलो भाई जी नूं बुला लो जी। वो वीरो अरदास ते वो है जो तुहाडे मन चों होणी है। एक भाई साहब ने कृपान लैके खड़े हो के 1000 रुपये का नोट लैके कोई अरदास वो अरदास लगती नहीं। ये काम भी सानू बंद करना चाहिए, हर हालत दे विच बंद करना चाहिए। हुण जिहड़े रागी सिंघां ने इन्होंने दुकाना चला लिया, कोई जी मैं 2 लाख रुपया लाँगा, कोई मैं 1 लाख रुपया लाँगा, ये शर्मनाक गल है कि तुसी गुरु का कीर्तन वेच रहे हो और पैसे कमा रहे हो। तुहानू गुरुद्वारिया नू ऐसी एक सुविधा करनी चाहिए है भाई इन्हां नू इहो जिहा काम करन दी लोड़ ही ना पवे। पर वो काफ़ी चीज़ डिबेटेबल है जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग, कि देखो जी पैसे की भुख तो किधरे मुकदी नहीं, ना अज अंबानी की मुक्की है तो ना किसी होर की मुकनी है। पर एक क्राइटीरिया आंदा है कौम दे विच जिथे तुसी अपने आप नू एक स्टेबल कर लैंदे हो तो कहंदे हो जी मैं हुण कौम वास्ते कुछ करना, ठीक है ना जी, उत्थे सारियां गल्लां रास आ जांदियां। हुण तुसी इंस्टीट्यूशनस वेख लो, साडे इंस्टीट्यूशनल इतने हुण साडा इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम ही कोई नहीं हैगा। माफ़ करना, दुनिया दे हर कोने दे विच सिख बच्चे वसदे ने, सिख डिस्पोरा हैगा। असी कदी भी ये एक्सप्लॉयट करन दी कोशिश नहीं कीती अपने इंडिया दे अंदर या ग्लोबली कि असी इंटर ग्लोबल इन्हां दियां कंपीटीशन कराइए, असी इन्हां नू बुला के डिबेट्स कराइए। साडे कोल कितने ऑडिटोरियम ने, कितनी रहण दी जगह है, इन्हां नू बुला के असी कीर्तन दियां कंपीटीशन कराइए, इन्हां नू बुला के असी गेम्स कराइए, चाहे हॉकी कराइए चाहे वो कराइए, जिहड़े कि कोई ना कोई साडी जिहड़े बच्चियां नू जिहड़ी एक्सपोजर है वो वधे। हुण साडे बच्चे क्यों वाल मना रहे हैं, सिर मना रहे हैं, क्यों? ये जो देख रहे हैं गुरुद्वारियां दा हाल देख रहे हैं, और बाहर जाते हैं सोशल सोसाइटी दे विच लोग उन्होंने छेड़ते हैं, छेड़ते इस करके ने क्योंकि असी अपनी कौम की पग नू आप संभाले ही नहीं, ठीक है ना जी। असी जब तक एक्सपोजर नहीं देंगे तद तक साड़ी कोई किधरे उकत नहीं होएगी, ये मेरी तुहानू एक अर्ज है। हुण साडे किन्ने किन्ने सिख इंटैलीजेंसिया हैगे ने, हुण बांगा साहब देखो मास्टर कार्ड दे CEO ने, उधरों तुसी वेखो कंपनी साहब जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की कीती है। कोई साडा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिथे असी ये एनुअली असी ये सारे सिक्खां नू प्रोमिनेंट सिक्खां नू ऑनर करिए। और वड्डे वड्डे हाउसेस ने जिस तरह वेव ग्रुप है या सिग्मा ग्रुप है या सन ग्रुप है या इहो जे ग्रुप ने, ये उन्हां नू ऑनर कर, उन्हां दे राइट ऑनर करन, और ताकि प्रेस भी वेखे और बंदे भी वेखन जिससे साढ़े बच्चों का उत्साह बढ़ सके भाई साड़ी कम्युनिटी दे विच भी इहो जे सरदार हैगे ने ऑफ प्रोमिनेंस। असी सिर्फ उन्होंने गुरुद्वारे तक ही रख रख लिया, इस करके उस कैडर के बंदे अगे नहीं आते, ठीक है ना जी। जिस वेले असी ये करिए सानू सिख इंस्टीट्यूशन अपनी बहुत
बहुत हाई क्लास करनियाँ पैनगियाँ। देखो जी आज इजराइल क्यों सक्सेसफुल है, साढ़े तो भी घट आबादी है इजराइल की वर्ल्ड ओवर। उन्होंने की किया है, उन्हों का एक एक बच्चा अज जूझ रहा टेक्नोलॉजी के, एक एक बच्चा उन्होंने अज इन्ना पढ़ लिख गया कि उन्होंने हाफ ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज कंट्रोल कर ली है। स्टैनफोर्ड जूज को है, हार्वर्ड जूज को है, केलॉग्स जू को है। तो जूज ने अपनी जी तरक्की बेस है सिर्फ एजुकेशन तो की, ठीक है ना जी। और साढ़े इतने की है, असी गंद मचाया हुआ, असी टीचर के तनखावान तक नहीं दे सकते, असी बच्चों प्रॉपर पढ़ा नहीं सकते, असी प्रॉपर मैनिंग नहीं कर सकते। इन्होंने पिछली बारी सिरसा साहब ने मैनू कहा सी स्कूल्स का ऑडिट कराना, तो असी ऑडिट कराया सी। मैं तो हैरान हो गया कि 40% उदे विच जिहड़ी स्टाफ है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जिस तरह की चपड़ासी है, झाड़ू मारन वाला है, पीओन है, ये है। तनखावान किनिया किनिया 30,000 40,000 रुपया महीने दी। मैं इन्होंने एक किराए देती सी, इन्हों वन टाइम पे करके इन्हों को जान छुड़ाओ, तुहानू वध तो वध 2-2.5 करोड़ रुपया देना पेगा, वो 20-25 लाख रुपए की 20 लाख रुपए की महीने की सेविंग हो जाएगी। तुसी किसे बैंक नू गल करो भाई असी सानू 2 करोड़ रुपया दे ते 20 लाख रुपया EMI साड़ी लैंदा जाए, जिहड़ा तुसी बचाओगे वो तुसी बैंक नू दिओ, घट तो घट तुहाडे उत्ते लोड तनखावां दा ते घट जाए, ठीक है ना जी। उस तो बाद असी सर्वे भी कीती सी स्कूलां दी, सानू यह पता लग्या। हुण पिछली बारी डॉक्टर पूथी सन जिन्हां ने IIM अहमदाबाद का फाउंडेशन की थी, उन्होंने भी गए सन, सारी इंस्टीट्यूशन देखे सन मेरे नाल। वो कहन लगे इकबाल सिंह जी असी तो इत्थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते हैं, कितना साढ़े कोल इंफ्रास्ट्रक्चर हैगा। ऐ हुण असी फिर एक बॉडी बनाई सी एजुकेशन बॉडी, जिहदे च असी ISB दे डीन, पुराने डीन जिहड़े IAS ऑफिसर भी हैगे प्रदीप सिंह, असी उन्हां नू रखिया नाल गुर इकबाल सिंह जी जिहड़े 25 साल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे अदारे ते स्विट्जरलैंड रहे है और वेरी डेप्थ एजुकेशनिस्ट है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल AS लैम लंबा असी लाए, फिर जनरल भुल्लर ले ते जनरल कोहली ले, इन्हां सारिया ने जाके 2-3 जगह पर विजिट किया। वो मैनू आके हैरान होके मैनू आके कहते कहते इकबाल जी असी तो हैरान हो गए कि साढ़े नैक्सट डोर हैगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसकी फीस है 40,000, उन्होंने को एडमिशन वास्ते जगह कोई नहीं, और साडा जिहड़ा बसंत विहार है जिहदा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली पब्लिक स्कूल नालों 5 गुणा अच्छा है, वड्डे फील्ड्स ने, स्विमिंग पूल है, सारिया फैसिलिटीज़ हैं जी, उत्थे साडी 5,000 फीस है, तो साढ़े को बंदा ही कोई नहीं आता, बच्चा ही कोई पढ़न नहीं आता। ये क्यों इतनी विचरता है? मैं याद है असी ढिल्लों साहब को पढ़े हुए हैं, जिस जिले ढिल्लों साहब पहले गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे प्रिंसिपल सन, एक गल है late 60s दी early 70s। उस वेले गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे विच एडमिशन नहीं मिलती सी, सिफारिश लगा के लोगों नू एडमिशन लेनी पैंदी सी। अज असी अदारे अपने उत्थों तो लैके कितने असी गिरा दिते ने, क्यों गिरा दिते ने, इस करके गिरा दिते ने कि साड़ी समझ नहीं सी। साढ़े कोल एक स्ट्रोंग बॉडी होनी चाहिए है, 8 मैंबरी काउंसल होनी चाहिए है, जिहदे विच एजुकेशनिस्ट होन, जिहदे विच फाइनैंशियल एक्सपर्ट होन, लीगल एक्सपर्ट होन, वो सारा पूरा कोड ऑफ कंडक्ट स्कूलों का बनाण, सिलेक्शन ऑफ टीचर, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसीपल उन्होंने कोल हो, ताकि चंगे असी चुन के प्रिंसीपल रखिए, चंगे असी चुन के टीचर रखिए। जिहड़े एग्जिस्टिंग टीचर ने जिहड़े जिन्हां दे विच स्किल का घाटा है, असी उन्हां नू ऑफ द स्कूल आवर्स असी क्लासेस लगाइए। अजकल इतनियां प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिहड़ियां टीचिंग दे उत्ते स्किल डेवलपमेंट करांदियां ने, असी इन्हां नू स्किल डेवलप कराइए, इन्हां दी इन्हां नू वधाइए। अज अदारे होणगे ते साडा काम बनेगा ना जी। उस तो बाद असी देखो ना, एक 40 साल तो असी जगह सन सरकार ने दिती है 13 एकड़, हाँ जी, वो दिती हस्पताल वास्ते। असी नीह पत्थर रख लिया, 4 वारी रख लिया, कभी बादल साहब ने रख लिया, कभी किसने रख लिया, कभी किसने रख लिया, हर एक दी पार्टी आई है, मगर हस्पताल नहीं करा सकी।
ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ KBK ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਟਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਲੈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੂੰਡਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਰ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ 'ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਦਾ ਰਹੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਚਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਫ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।